के नेतृत्व में संपन्न हुई और उसमें लगभग कोई 50 से अधिक जो हमारे प्रदेश के हित के, प्रदेश की डेवलपमेंट से जुड़े हुए जो हमारे विषय थे, एजेंडा थे, उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। इसमें जहां नए संस्थान प्रदेश के भिन्न भिन्न विधानसभा हलकों में खोले जाएंगे, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और अलग से हमारा प्रेस नोट भी आएगा। इसके अलावा जो नीतिगत निर्णय लिए गए, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो बातें हुई है, ये सभी बातें मैं आपके संज्ञान में लाऊंगा। आज हमारी कैबिनेट मीटिंग में जहां मैं रोज़गार की बात कर रहा था, हमारे पशुपालन विभाग में लगभग कोई 1000 पोस्टें मल्टी टास्क वर्कर्स की आज हमारी कैबिनेट ने उसको स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा हमारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां पर आपके जल शक्ति विभाग के डिविजन्स नहीं थे, वहां पर अलग से हमारी कैबिनेट ने, समस्त मंत्रिमंडल ने वहां पर अलग से जल शक्ति विभाग के डिविजन्स खोलने के निर्णय लिया है। इन टोटल 4 आपके डिविजन्स हैं, जो आपका एक चुवाड़ी यानी चंबा ज़िला में, जयसिंहपुर हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, कसौली हमारे सोलन ज़िला में, ज्वालामुखी फिर से आपके कांगड़ा ज़िला में, ये 4 जल शक्ति विभाग के आपके डिविजन्स खुलेंगे। इसी तरह से हमने आज जहाँ नीतिगत फैसले की बात आती, पॉलिसी डिसीशंस की बात आती है, जैसे हमने पिछले वित्तीय वर्ष 2023 में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि प्रदेश के अपने रिसोर्सेज, अपने संसाधनों में बढ़ोतरी हो, रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो, और पिछले वर्ष आपने इसके कई उदाहरण देखे होंगे, जिसमें विशेष रूप से जो हमने एक्साइज पॉलिसी में परिवर्तन लाया था, जिसमें ऑक्शन के माध्यम से आपके जो लिकर वेंड्स होंगे उनकी उनका मैं समझता हूँ आगे की कार्रवाई की जाएगी, और उसका ही परिणाम था लगभग कोई 40% अधिक हमारे को रेवेन्यू एक्साइज जो नई पॉलिसी हमने लागू की उसके माध्यम से प्राप्त हुआ। और इस वर्ष भी हम पिछले वर्ष का अनुसरण करते हुए इस वर्ष भी जो हमारे लिकर वेंड्स होंगे नए सिरे से इनकी ऑक्शन होगी। आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जो हमारा एक रिच कल्चर है हिमाचल प्रदेश का, उसमें मैं समझता हूँ हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे जो मेले हैं ये बने रहे, ये परंपरा कायम रहे। बहुत से आपके आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमारे जो आपके मेले थे उसको डिस्ट्रिक्ट से स्टेट की श्रेणी में लाया गया। उदाहरण के तौर पे अगर हम सलियाणा की बात करें, जो ज़िला कांगड़ा में आपका पड़ता है, उसे स्टेट में समझता हूँ जिला प्रदेश स्तर का आपका मेला घोषित किया गया। ये जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, इसको प्रदेश स्तरीय किया गया। और इसी तरह से आपका हरोली उत्सव ऊना ज़िला में, पहले ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का था, इसे भी स्टेट लेवल का किया गया। घुमारवी ग्रीष्म उत्सव, इसमें तो मैं स्वयं भी आया हूँ एक दफ़ा। सांगला आपके किन्नौर ज़िला का होली उत्सव, इसको भी आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का फिर घोषित किया गया है। आपका होली मेला जयसिंहपुर, इसको भी ज़िला स्तरीय घोषित किया गया है। और एक हमारा अजमेर भराड़ी, ये भी बिलासपुर में पड़ता है, इसको भी डिस्ट्रिक्ट फेयर के रूप में घोषित किया गया। और एक और आपका जो नगरोटा बगवा में आपका लिद बड़ के नाम से जो हमारा आपका ये फेयर है, मेला है, इसको ज़िला स्तर से प्रदेश स्तर के मेले के रूप में, इसे भी हमारी कैबिनेट ने स्वीकृति प्राप्त की। एक हमारा और दंगत विधानसभा क्षेत्र का कहलू महाराज नाम करके हमारा जो वहाँ पर मेला होता, बाकी डिटेल में जो प्रेस नोट होगा उसमें सारी बातें स्पष्ट रूप में होगी, उसे भी ज़िला स्तर का मेला घोषित किया गया। एग्जिस्टिंग स्कूल्स है उनके नाम भी आपके जो हमारे डिग्नेटरीज रहे हैं, हमारे मैं समझता हूँ विशेष लोग रहे हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, या फिर हमारे जो हमारे गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त हमारे जो शहीद लोग हैं उनके नाम से आपके स्कूलों का नामकरण करने का भी हमारी माननीय कैबिनेट ने आज स्वीकृति दी। उदाहरण के तौर पे अगर हम जुब्बल की बात करें, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुब्बल, जहाँ से हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री ठाकुर रामलाल जी
आप प्रदेश के मुख्यमंत्री तीन मरतबा रहे और वहाँ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, तो वहाँ का स्कूल वहाँ की स्थानीय जनता जनार्दन की जो मांग थी उनके नाम से उस स्कूल किया गया। इसी तरह से हमारा जो गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाला जी, वहाँ पर भी हमारे जो वहाँ के पूर्व के विधायक रहे पंडित सुशील रतन जी, साथ ही साथ फ्रीडम फाइटर भी रहे, उनके नाम से ये हमारा ज्वाला जी का गवर्नमेंट कॉलेज रखा गया। इसी तरह से गग्गल में, कांगड़ा में हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे ताराचंद जी, जिनको ताम्रपत्र भी प्राप्त था, उनके नाम से हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल गग्गल का नाम रखा गया। इसी तरह से हमारे सिरमौर ज़िला में हमारे नारंग आपका जो स्कूल है, वहाँ पर पंडित दुर्गा दत्त उनके नाम से, जिन्होंने बहुत बड़ी योगदान दिया वहाँ पर स्कूल को स्थापित करने के लिए, आज से कोई 100-100 वर्ष पूर्व, उनके नाम से ये आपका स्कूल किया गया है। वेद प्रकाश जी के नाम से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेचरी का नाम रखा गया है, इनको भी सेना चक्र प्राप्त हुआ था। और इसके अलावा भी अभी हमारी, मैं समझता हूँ, और भी हमारे नाम विचाराधीन है। अभी जो प्रथम चरण पे जिस पे हमारी, मैं समझता हूँ, कमेटी ने और अपने माननीय कैबिनेट ने मुहर लगाई है, ये 11 स्कूल्स है खुले हैं प्रदेश में, एक नदौन में और दूसरा हरोली में। तो एक तरह से मैं समझता हूँ काफ़ी जो प्रदेश के हित में बहुत से आज निर्णय लिए गए हैं, और विस्तार से इसके बारे में डिटेल में जो सारी, इसके अलावा जो कुछ बातें मुझसे छूटी है, जो आपको प्रेस नोट आएगा पब्लिक रिलेशन के द्वारा, उसमें सारी बातें आपको उपलब्ध हो जाएगी।